साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इस समय सज़ा काट रहे ने जेल दे विच उन्हां दी सज़ा जिहड़ी है उन्हां दे वल्लों कट्टी जा रही है तो उन्हां दी पत्नी नूं लैके वड्डी खबर सामने आ रही है। तो नवजोत कौर सिद्धू दी जिहड़ी है सेहत नूं लैके वड्डी खबर है, दस्या जा रहा है कि कैंसर दी बीमारी दे नाल जूझदे होए नवजोत कौर सिद्धू हुण नज़र आ रहे ने। जानकारी उन्हां दे वल्लों अपने ट्विटर अकाउंट ते एक ट्वीट करके सांझी की गई है। दस्या गया है कि दूजी स्टेज ते चल रहे ने, कैंसर दी बीमारी दसी जा रही है उन्हां नूं, ते जिस तों बाद अज वो डॉक्टर कोल गए तो उन्हां दी सर्जरी भी की जानी है। तो दस दिए तुहानूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि एक साल तो सज़ा कट रहे हैं जेल दे विच रोड रेज मामले दे विच उन्हां दी जिहड़ा सज़ा चल रही है, हालांकि बीते दिन ही चर्चा का विषय बनते हुए नज़र आ रहे थे, जिथे चर्चावां उठ रही सी कि 26 जनवरी नूं उन्हां दी रिहाई हो सकती है, लेकिन उस वेले रिहाई नहीं हुई। तो दूजे पासे हुण मुड़ तो चर्चावां विच ने कि 1 अप्रैल नूं उन्हां नूं जिहड़ा जेल तो बाहर आन दा मौका दिता जा सकता है। 19 मई दसी जा रही है कि 19 मई 2022 दे विच उन्होंने सज़ा सुनाई गई सी रोड रेज मामले दे विच, ते उस तो बाद 1 साल तक उन्होंने वालों जेल विच रहा जाना सी। उस तो बाद 18 मई 2023 तक उन्हों की सज़ा सी, लेकिन 1 अप्रैल नूं बाहर आ सकते ने। कारण दस दिए तुहानूं कि कहा गया है कि हर महीने कैदियों नूं 4 छुट्टियां मिलदियां ने, जेकर वो 4 छुट्टियां नहीं लेंदे तो जेल तो जिहड़ा जल्दी बाहर आ सकते ने, तो उन्हां दे वल्लों छुट्टियां नहीं ली गई तो हुण 1 अप्रैल नूं बाहर आ सकते ने। लेकिन हुण उन्हां दे बाहर आने तो पहला उन्हां नूं एक दुखदायी खबर सुनने मिल रही है कि उन्होंने पत्नी नूं जिहड़ा है कैंसर है, तो कैंसर का दूजा स्टेज चल रहा है, यह भी दस्या गया उन्हां दी पत्नी दे वल्लों। तो ट्वीट किया गया, ट्वीट दे विच की जानकारी सांझी की गई है तो उन्हें जरूर दस दें। तो स्क्रीन से तुसीं ये ट्वीट देख सकते हो जिस दे विच उन्हां दे वल्लों एक भावुक ट्वीट करदिया होया लिखा गया है कि नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि उस अपराध लई जेल गए ने मेरे पति, जिस दी जिहड़ी सज़ा कट रहे ने उन्होंने जुल्म जिहड़ा है कीता भी नहीं है, तो इस विच शामिल सारे लोगों नूं जिहड़ा है माफ़ कर दिओ, हर दिन जिहड़ा है तुहाडा इंतज़ार करदा है, शायद तुहाडे तो वध दुखी हाँ, हमेशा वांग तुहाडे दर्द नूं दूर करन दी कोशिश विच हाँ, बार बार तुहानूं इंसाफ लई जिहड़ा देखदी हाँ ते इंतज़ार करदी हाँ तुहाडा, ते सच बहुत ताकतवर हुंदा है पर इसकी प्रीख्या जिहड़ी है वार वार देनी पैंदी है। इस कलयुगी समय की गल की उन्हां दे वल्लों कि कलयुगी समय दे विच वार वार प्रीख्या जिहड़ी है देनी पैंदी है, सच काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हुंदा है, माफ़ करना तुहाडा इंतज़ार नहीं कर सकती क्योंकि खतरनाक कैंसर की दूजी स्टेज पर हाँ, ये गल कही गई है नवजोत कौर सिद्धू दे वल्लों। तो जिस तो बाद ये भी कहा गया है कि चंडीगढ़ विखे उन्हां दी सर्जरी होनी है। खास तौर पर दस दिए थानू कि नवजोत कौर सिद्धू दे पति साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू रोडवेज मामले दे विच पटियाला दे विच पटियाला दी जेल दे विच सज़ा कट रहे ने, 1 साल हुण ते आ चुका है जेल विच सज़ा कट रहे ने, तो हुण अचानक तो जिथे एक पासे मामला उठ रहा है कि 1 अप्रैल नूं जेल तो बाहर आ सकते ने, ते जेल तो बाहर आने तो पहला एक दुखदायी खबर सुनने नूं मिल रही है कि उन्हां दी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू नूं कैंसर है, तो दूजी स्टेज पर ने, तो बुधवार यानी कि अज उन्हां दी सर्जरी भी होगी, तो चंडीगढ़ विच जिहड़ा हस्पताल च उन्हां दी सर्जरी होगी, ये पूरी जानकारी उन्हां दे वल्लों ट्विटर अकाउंट ते एक ट्वीट करके दित्ती गई है। तो नाल ही नाल ये भी कहा गया है कि इंतज़ार नहीं कर सकती, माफ़ करना मैनू क्योंकि मैं कैंसर की दूजी स्टेज पर हाँ। जे तुसी भी चाहुंदे हो आस्ट्रेलिया जां न्यूजीलैंड दे विच ब्याह, तां इक्को इक राह NRI मैरिज ब्यूरो। NRI मैरिज ब्यूरो, फाइंड योर परफेक्ट ह्यूमन।